कर्नाटक विधानसभा और विधान परिषद के माननीय सदस्यों से मिलकर अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। यहाँ का विधानसभा भवन लोकतंत्र का अनुभव प्रतीक है, जो जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को रिफ्लेक्ट करता है। ये ऐतिहासिक भवन यहाँ की समृद्ध लोकतांत्रिक यात्रा हमें नई प्रेरणा देती है। इस भव्य विधानसभा सौध के निर्माता श्री केंगल हनुमंतैया जी को, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, मैं उनको स्मरण करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस भव्य भवन को बनाया। मैं इस मौके पर बेंगलोर के निर्माता श्री केम्पे गोड़ा जी का भी स्मरण करता हूँ, जिनका बेंगलोर बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, देश और दुनिया के लोग जब कर्नाटक आते हैं तो पर्यटक के रूप में भी इस विधानसभा सौध को देखने आते हैं, और यहाँ से लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रेरणा भी लेते हैं। कर्नाटक का एक समृद्ध और गौरवशाली लोकतांत्रिक इतिहास रहा है। 12वीं सदी में भगवान बसवेश्वर जी का अनुभव मंडपम आधुनिक अर्थों में एक लोक संसदी था। आजादी की लड़ाई में रानी चेन्नम्मा का सर्वोच्च बलिदान आज भी हमें प्रेरणा देता है। साथियों, कर्नाटक की लोकतंत्र की यात्रा अत्यंत समृद्ध और गौरवशालीपूर्ण रही है। इस लोकतांत्रिक यात्रा को समृद्ध बनाने में जिन जिन नेताओं का योगदान रहा, मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आज हमें खुशी है कि पहली बार बेंगलोर विधानसभा में के भवन में अतिशासक के रूप में हमें बीएस येदियुरप्पा जी का अभिनंदन करने का मौका मिला। येदियुरप्पा जी का राजनीति जीवन 50 वर्षों से सामाजिक और राजनीतिक सेवा के रूप में रहा है। उन्होंने राज्य के किसानों के लिए, पिछड़े गरीब लोगों की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित दिया है। मैं उनके 4 बार के मुख्यमंत्री काल और संसदीय संसद के रूप में जो उनका कार्यकाल रहा, जिसके माध्यम से उन्होंने जनता की सेवा की, उनका भी इस मौके पर अभिनंदन स्वागत करना चाहता हूँ। आज जिस विषय पर आपके साथ विचार साझा करने का अवसर मिल रहा है, वह एक महत्वपूर्ण विषय है। लोकतंत्र में आज़ादी के पिछले 7 दशकों की यात्रा के अंदर हमने संसदीय व्यवस्था से शासन चलाने की पद्धति अपनाई। उन संसदीय मूल्यों का संरक्षण करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को जवाबदेही बनाने की दिशा में हम कहां तक पहुंचे, इसके लिए चर्चा के लिए आज यहां पर हम आए हैं। आज संपूर्ण विश्व संसदीय प्रजातंत्र को शासन चलाने की सर्वोत्तम पद्धति मानता है। ऐसे में हमारी 75 साल की ये संसदीय लोकतंत्र की यात्रा और सशक्त हुई है और मजबूत हुई है। हमारे लोकतंत्र में सदैव से ही जनता रही है। संविधान बनाने वाले हमारे मनुष्यों ने भी जनता को केंद्र में रखकर संविधान का निर्माण किया था। यही कारण है
भारत में अभी तक 17 आम चुनाव और 300 से अधिक विधानसभा चुनाव सफलतापूर्ण संपन्न हुए, जिसमें मतदाताओं की हर चुनाव में सक्रियदारी भागीदारी बढ़ना इस बात का प्रमाण है कि हमारा लोकतंत्र सशक्त हुआ है, लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है। चुनाव के बाद सत्ता का सहज हस्तांतरण हमारी लोकतंत्र की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से हमने जनता के कल्याण को सर्वोपरि माना है। इन्हीं विधानमंडलों के माध्यम से हम जनता की अपेक्षाओं आकांक्षाओं को पूरा करते हैं और जनता के हितों को ध्यान में रखकर कानून भी बनाते हैं। लेकिन आज 75 वर्षों की इस यात्रा में हमें पुनः विवेचना करने की आवश्यकता महसूस हो रही है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को किस तरीके से जनता के प्रति अधिक जवाबदेही बनाया जाए। हमारा शासन लोगों की भावनाओं के अनुरूप हो, जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हो, जनता के कल्याण के लिए हो, इसके लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत करने की आवश्यकता है। संसदीय लोकतंत्र की नींव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की जनता के प्रति जवाबदेह पर टिकी हुई है। संसद एवं विधानमंडलों की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि जनता के चुने प्रतिनिधि जनता के प्रति संवेदनशील रहे, उनकी आशाओं आकांक्षाओं को इन विधानमंडल के माध्यम से पूरा कर सके। हमारे विधानमंडल लोकतंत्र की आत्मा है। देश के नीतियाँ और कानून बनाने का दायित्व इन्हीं विधानमंडलों पर है। हम विधानमंडलों को अधिक जिम्मेदार तभी बना सकते हैं जब इसके अंदर जनहित के मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हो। आज हमारे विधायी निकाय बहुआयामी कार्य कर रहे हैं, जिसमें लोगों की समस्याओं और शिकायतों की अभिव्यक्ति दी जाती है और कार्यपालिका की जवाबदेही भी तय की जाती है। इन सभी जिम्मेदारियों के कारण विधानमंडल सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे लोकतंत्र के सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति निष्ठावान रहे तथा इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक पारदर्शी और जनता के प्रति और जवाबदेह बनाए। संवैधानिक व्यवस्था में शासन के तीनों अंग यानी कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका के अपने अपने अधिकार और कर्तव्य परिभाषित है और सबकी अपनी अपनी सीमाएं भी तय की गई है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी जिम्मेदारी विधायिका की होती है, क्योंकि ये संस्था कानून बनाने का काम करती है जनता की अपेक्षाओं और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप। संविधान बनाते समय हमारे मनुष्यों की भावना ये थी कि हमारी विधायिका अधिक जागरूक कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार और जिम्मेदार हो ताकि जनता की सामाजिक और आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सके। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो कानून बनाएं उन पर व्यापक चर्चा हो, संवाद हो, विधायकों की अधिक सक्रिय भागीदारी हो ताकि जो कानून बने उस पर कोई सवाल न उठा सके।